सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में अब हम रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने वेव फंक्शन साई पर जो कंडीशंस लग रही हैं उसको देखा था। सेकंड पोस्टुलेट में हमने अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स के बारे में जाना था, इसमें कार्टेशियन ऑपरेटर, देन लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर हमने दो तरह के देखे थे। एक यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म था जिसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर के टर्म्स में इस तरह से दिया जाता है, और उसके बाद टाइम डिपेंडेंट फॉर्म था जिसका हमने डेफिनेशन इस तरह से देखा था। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट थर्ड, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज विच आर मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल्स हुज ऑपरेटर इज पी कैन गिव द ईगन वैल्यूज पी बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब यह है, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल्स की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, जब हम किसी ऑपरेटर पी को साई वेव फंक्शन पे लगाएंगे तो हमें अलग अलग ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज मिलेंगी, मेजरमेंट्स मिलेंगी, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है इसको आइगन फंक्शन बोला जाएगा, और जो यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे ऑपरेटर को लगाने के बाद उन रिजल्ट्स को आइगन वैल्यूज बोला जाएगा। सो अगर हम कंक्लूड करें इस बात को तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटर को जब आइगन फंक्शन पर लगाया जाएगा तो हमें आइगन वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हम। जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें किसी पार्टिकल के लिए तो हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने डिफाइन करा था यहाँ पर। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो जिस तरह से अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, ऑपरेटर साई इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज रिजल्टेंट वेव फंक्शन वैल्यूज। सो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये यहाँ पर पी है, वेव फंक्शन साई है, और जो आइगन वैल्यूज एनर्जी स्टेट्स एनर्जी वैल्यूज हमें मिलेंगी वो यहाँ पे पीएन से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से रीअरेंज होकर के मिलेगी, और ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है जिसका हमने डेरिवेशन पहले करा था। अब अगर हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म डिराइव करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में हमें जो एनर्जी का ऑपरेटर है, ई का जो ऑपरेटर है, उसको यूज करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी हमने पोस्टुलेट नंबर 2 में देखा था कि टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पर, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो इसी ऑपरेटर का अब हम यूज करेंगे। तो ये ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, E इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन 2πi डेल बाय डेल टी, और जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें E की जगह हमने ये ऑपरेटर लगा दिया। सो ये जो हमें इक्वेशन मिल रही है ये यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है। तो जब हमसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म का डेरिवेशन पूछा जाएगा तो जिस तरह से हमने डेरिवेशन करा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उसको फॉलोअप करेंगे और लास्ट में हम एनर्जी ऑपरेटर ई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और जो हमें फॉर्म मिलेगी, दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्टुलेट 4। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस विद इन द रीजन बिटवीन R टू R प्लस dr, मतलब हम एक स्पेस में एक स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा जाएगा? ये मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई इंटू साई स्टार dr। साई को साई स्टार से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम हटा सकें। सो साई इज वेव फंक्शन, साई स्टार इज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब अगर हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन अ गिवन रेंज इन अ गिवन रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम R1 टू R2, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार dr विद इन द लिमिट्स ऑफ R1 टू R2, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ऑब्वियस है कि पूरे स्पेस में, होल स्पेस में टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यानी कि 1 होगी। सो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स R1 और R2 की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी। तो मैथमेटिकली पूरे यूनिवर्स को, पूरे स्पेस को इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करा जाएगा, और हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द होल यूनिवर्स इज यूनिटी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पे जा रहे हैं, पोस्टुलेट 5। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, फॉर अ गिवन स्टेट साई द एक्सपेक्टेड मीन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब एक नई टर्म आई है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू मींस सिंपली एवरेज। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और अभी मैंने यहाँ पे उसकी अल्टरनेट फॉर्म लिखी थी एच कैप साई ई साई। तो जब हमें से किसी पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई पे लगाएंगे तो हमें ई की बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी से ई वन ई टू ई थ्री, इस तरह से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं अप टू ई एन, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे इन सारी वैल्यूज की किस तरह से निकाली जाएगी, एवरेज निकालने का एक्सप्रेशन जो यूज होगा वो यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रेजेंट करा है। इसको कैसे लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार पी साई डी वी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी वी। जो ये इक्वेशन की हम बात कर रहे थे इसमें पी जो है ये ऑपरेटर है किसी ऑब्जर्वेबल पी का, एंड ये जो टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेड मीन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोला जाएगा। सो हमें एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और किसी गिवन रेंज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। सो फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्टेड मीन निकालना चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, से एक्स डायरेक्शन में हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल के मिलने के चांसेस कितने हैं, हम देखना चाहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का मीन वैल्यू क्या होगा। सो हमने यहाँ पे ये लिख लिया इस तरह से, एक्सपेक्टेड मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स साई डी वी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी वी। अब अगर हम पूरे स्पेस की बात करेंगे, होल स्पेस की बात करेंगे, तो लिमिट्स मैंने बताया था पिछले इक्वेशन में, मैंने बताया था कि होल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगी। तो जो ये इक्वेशन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे बस हमने लिमिट्स चेंज करी है। और हमने फोर्थ पोस्टुलेट में पढ़ा था कि साई स्टार साई का प्रोडक्ट को जब डिफ्रेंशिएट करा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होती है। तो इक्वेशन नंबर वन जो ये लिखा है ये इस तरह से यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इसमें ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ऑब्जर्वेबल के लिए इन द होल स्पेस, पूरे स्पेस के लिए, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हम स्पेसिफिक रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे इंटीग्रल टर्म आएगा, बट अगर हम होल स्पेस की बात करेंगे तो ये नीचे वाला इंटीग्रल टर्म, इसमें लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सेट हो जाएंगी और जिसकी वजह से ये जो टर्म है ये यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि यही डेफिनेशन है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की। इसी तरीके से अब हम बाकी ऑपरेटर्स को लगा करके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो से एक हम एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पर, से हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो है पी एक्स, दिस इज एच अपॉन टू पाई आई डेल बाय डेल एक्स, ये हमने अभी ऑपरेटर्स में पढ़ा था। तो से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं लीनियर मोमेंटम की अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें इसके लिए इस तरह से टर्म यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन साई स्टार, अब यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर है यहाँ पे एच अपॉन टू पाई आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई इन अ गिवन वॉल्यूम डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साई स्टार बाय साई डी वी। अब अगर हम होल स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये हम वन पुट कर देंगे। अगर हम पूरे स्पेस की बात करेंगे, होल स्पेस की, पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लिमिट्स इस तरह से सेट हो जाएंगे, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे डी वी की जगह डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हमें साई का एक्सप्रेशन पता होगा, साई एक मैथमेटिकल नंबर होता है, तो इसका अगर हमें वैल्यू पता होगा तो इसकी वैल्यू पुट करके हम लीनियर मोमेंटम का एवरेज वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, और इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी ऑपरेटर पी के लिए जब उसे वेव फंक्शन पे लगाया जाता है तो हमें आइगन वैल्यूज मिलती हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द ऑपरेटर और उसको हम किसी आइगन फंक्शन पे अगर लगाएंगे तो हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये दो टाइप के होंगे, कुछ रियल सॉल्यूशंस होंगे और कुछ इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे, तो कुछ रियल नंबर्स होंगे और कुछ इमेजिनरी नंबर्स होंगे। हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली जो रियल सॉल्यूशन होंगे उनको बोला जाएगा आइगन वैल्यू। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे लगाने के बाद, वेव फंक्शन यानी कि आइगन फंक्शन पर
लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे उनको बोला जाएगा आइगन वैल्यूज। सो अगर सिंपली बोला जाए इसको तो अगर सिंपली बोला जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आइगन वैल्यूज रियल सॉल्यूशन होते हैं जब कोई ऑपरेटर किसी आइगन फंक्शन पे लगाया जाता है। सो इस तरह से हमने अब पांचों पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ बुक्स में 6 पोस्टुलेट्स या 7 पोस्टुलेट्स दे रखे हों, तो उन्होंने इनमें से ही किसी पोस्टुलेट को 2 करके या 3 करके दे रखा होगा। सो इस बात पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो इस लेक्चर में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखे हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हैं, जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, देन टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे हैं और उनके एक्सप्रेशन देखे हैं, और लास्टली हमने यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा है, उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया। सो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।